भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव एक बार फिर से सुर्खियों में। दरअसल यह मामला गोरखपुर का है। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का गोरखपुर में फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन ऐसा हुआ कि मंदिर के गेट को पैर से मारकर खोलते हुए नजर आए। इसी के चलते यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इसी को लेकर लोगों में विवाद भी हो रहा है। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव पर आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लग रहा है। विवाद के बाद ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने बयान कर जारी कर माफी भी मांगी और पूरी सच्चाई भी बताई। देखते हैं इनका बयान। नमस्ते प्रणाम, मैं खेसारी लाल यादव। एक कोई वीडियो वायरल हो रहा है मेरे शूट का, तो सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं जिनको भी बुरा लगा है। बट ये बुरा लगने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने तो खुद ही मंदिर के प्रवेश में हमारी फिल्म में डायलॉग है कि जूता खोल के ऊपर चढ़ो, और वो सारी चीजें मैंने दूसरे एंगल से कोई फोटो लेकर या वीडियो लेकर उसको पोस्ट किया है, जबकि हम लोगों ने दो लोग गेट खींचने के लिए मंदिर के अंदर से रखा था। खेसारी लाल यादव ने अपने बयान में कहा, हमने मंदिर के गेट को लाश से नहीं मारी है, हमने सिर्फ एक्टिंग की है। और जो वीडियो में दिख रहा है वह दूसरे एंगल से वीडियो बनाया गया है, ऐसा लगता है कि हमने लात मारी है, पर ऐसा नहीं है। मंदिर के गेट को अंदर से रस्सी से बांध कर खींचने के लिए दो लोगों को रखा गया था, मैंने पैर मार कर नहीं खोला है। लोग जब फिल्म देखेंगे तो इसके बारे में पता चलेगा। वहीं खेसारी लाल यादव जी ने वीडियो के जरिए लोगों से माफी मांगी और उन्होंने कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आस्था को लेकर हमारे अंदर समझ है। तो यह थी पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और अपडेट लेकर।